चलिए, तो जितने भी स्टूडेंट थे वो अपना डॉक्यूमेंट्स का वेट कर रहे थे ताकि उनका कल सुबह में ही सब कुछ आज आप रेडी रखिएगा, तभी आप सुबह में कल जाकर सबसे पहले अपने कॉलेज में पहुंचते हैं आपको। तो सोचे कि जितना जल्दी हो सके आपका डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मेरे तरफ से दे दिया जाए। अब यूनिवर्सिटी का काम है अपना बस ऑफर लेटर जारी करना, मेरे तरफ से यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स का वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो जिनका भी एडमिशन लेना है कल स्पॉट के तहत, तो जो भी कॉलेज है आपका, तो कल जितना जल्दी हो सके सुबह में पहुंचने का कोशिश करिएगा, नहीं तो आपका छूट जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपना, और ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको पता चल जाए। स्पॉट एडमिशन में लगने वाले सारे डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, अप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आपका नामांकन के लिए ऑनलाइन किया गया फॉर्म, जब आप साइबर कैफे में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कराए थे तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया था भरकर, तो उसको लेकर जाना है, जो आपको कॉपी दिया गया था साइबर कैफे से नामांकन, जब मतलब कि जब ऑनलाइन किए थे तो आपको एक रसीद दिया होगा सब, उसको लेकर जाना है, ठीक है, साथ में रखिएगा उसको। अब देखिए ओपन ऑफर लेटर जो यूनिवर्सिटी जारी करेगा उसको निकाल कर दो प्रिंट उसका करवा लेना है, ठीक है। 12th क्लास का मार्कशीट आपका लगेगा, उसके बाद देखिए कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट 12th क्लास में यानी कि बारहवा में कॉलेज से पास करके निकले हैं उनका लगने वाला है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि आपका जो होता है CLC, ठीक है। उसके बाद देखिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट 12th क्लास में स्कूल से पास किए हैं, 12th क्लास में बरहवा स्कूल से मतलब पास किए हैं, उनका SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एक तरह से आपका TC आपको लेकर जाना है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र OBC SC ST EBC यानी कि जनरल के लिए नहीं लगने वाला है, जनरल के लिए EWS सर्टिफिकेट लगेगा, जो अप्लाई करते वक्त जो अपना जो ऑनलाइन जब आप साइबर कैफे में कराने गए होंगे तो वहाँ पर पूछा कि EWS सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर आप यस किए होंगे तो आपको लेकर जाना है, यदि आप EWS सर्टिफिकेट से अप्लाई नहीं किए हैं जनरल कास्ट से तो आपका नहीं लगेगा, अब अप्लाई किए होंगे तो अभी आपका लगने वाला है, नहीं तो नहीं लगेगा। और OBC SC और EBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य है, वेरिफिकेशन के टाइम आपका मांगा जाएगा, नहीं होगा आपका तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आधार कार्ड का कॉपी लेकर जाना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज 3 फोटो आपको लगेगा, मतलब कि ऐसे तो एक ही लगता है लेकिन आपको 3 लेकर जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर CBSE बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड से जो स्टूडेंट है उनका नहीं लगेगा, केवल CBSE, अगर आप 12th क्लास में CBSE बोर्ड से पास किए हैं तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। सबका 2 कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में पहुंचना है, ठीक है। 2 कॉपी आपको जितना भी आपका डॉक्यूमेंट बताएं सबका 2 कॉपी करवा लीजिएगा, हर कॉपी का 2, यानी कि आपका मार्कशीट का भी 2 कॉपी होना चाहिए, आधार कार्ड 2 कॉपी, आपका जो भी सर्टिफिकेट है आपका आधार 2 मतलब कि लेकर जाना, 2 कॉपी लेकर जाइएगा, और अपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी लेकर जाइएगा, एक बैग ले लीजिएगा उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 2 कॉपी को रख कर आपको कॉलेज में पहुंच जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एडमिशन का अंतिम डेट है 16 अक्टूबर तक, ठीक है, आपका 14 से 16 के बीच में आपका एडमिशन होने वाला। और देखिए जनरल कास्ट को 1100 रुपया तक लेकर उनको जाना है, और आपका OBC SC ST BC गर्ल्स अपना जितना भी है 1000 रुपया लेकर जाएंगे, ठीक, इससे कम मत लेकर जाइएगा, बाय द वे आपका मतलब कम लगता है तो आपका मच जाएगा तो घर पर पैसा लेकर आ जाइएगा, लेकिन मान लीजिए वहाँ पर आपका पैसा घट जाएगा तो किससे मांगिएगा, तो इससे अच्छा है कि अपना ज़्यादा पैसा लेकर जाइएगा और अपना एडमिशन करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ बहुत भीड़ होगा तो आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स पर अपना ध्यान देना है, ठीक है। अब सब कुछ आपको पता चल गया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप एक बार देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑफर लेटर का हम देख रहे हैं, वेट करें, अगर आ जाएगा तो ठीक है, हम आपका वीडियो मेरे तरफ से जो था हम दे दिए। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।